Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएसएन 7 न्यूज। गाजियाबाद से संवाददाता संदीप गुप्ता की रिपोर्ट। भू माफिया प्रकरण पर लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर की क्षेत्र जनता से अपील। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लोनी की जनता से अपील करते हुए कहा है लोनी की आम जनता भरोसा रखे, भू माफिया मुक्त लोनी की जो मुहिम मेरे द्वारा चलाई गई है उसे अंजाम तक हर हालत में पहुंचाया जाएगा। एक भी भू माफिया को लोनी में रहने नहीं दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने भू माफियाओं से साठ गांठ कर जो हल्की धाराएं उनके खिलाफ लगाई हैं, यदि धाराएं ठीक नहीं की गई तो दोषी पुलिस प्रशासन व अन्य अधिकारी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिससे कोई भी भू माफिया लोनी में आम जनता का प्लॉट कब्जा न कर सके और सरकार एवं गैर सरकार जमीन की तरफ आंख उठाकर देखने का दुस्साहस न कर सके। अब भू माफियाओं को सलाखों के पीछे जाने से कोई बचा नहीं सकता। लोनी में रामराज्य की स्थापना के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सभी सम्मानित नागरिक भाई और बहनों को जय श्री राम, नमस्कार। मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि लोनी भू माफियाओं का गढ़ रहा है। अपराध, हत्या, डकैती और भ्रष्टाचार लोनी की पहचान रही है। आज आप सबके आशीर्वाद से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से लोनी के अंदर विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ कि जो ज़मीनें सुप्रीम कोर्ट की ज़मीन को भी भू माफियाओं ने जिस तरह से फर्जीवाड़ा कर करोड़ों के स्टाम्प को चूना लगाया सरकार को, और जो ज़मीन माननीय सुप्रीम कोर्ट में के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट की जमीन को बेचने का दुस्साहस किया। इसके अलावा वन विभाग ने अपनी सैकड़ों बीघे जमीन माफियाओं से मिलकर के उस पर कब्जा करा दिया और नगर पालिका की जमीन को भी कब्जा करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत पूरी तरह से एक कॉकस बना हुआ है। मुझे उम्मीद है जिलाधिकारी गाजियाबाद श्री अजयशंकर पांडे जी ने जिस तरह से एक कड़ी कार्रवाई की है, और कप्तान साहब ने भी रात जब मुझे लगा कि इंसाफ दोबारा से नहीं मिलेगा और धाराओं में गड़बड़ की जा रही है, जो इंसाफ मिला है वो हर हाल में एक एक व्यक्ति भरोसा रखे, लोनी की एक एक इंच जमीन को निकाल करके शानदार स्टेडियम, कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, और जो लोनी के लिए जो बेहतरीन हो सकता है लोगों के लिए घूमने के लिए, क्योंकि लोनी के भू माफियाओं ने लोनी के अंदर कोई जगह छोड़ी नहीं जहां हम लोग घूम सकें, लोनी को एक सुंदर और सपनों का शहर, हाईटेक शहर बना सकें, उसके लिए मैं संकल्पबद्ध हूँ। एक एक इंच जमीन ली जाएगी और आप भरोसा रखिए, नंदकिशोर गुर्जर कहीं कमीशन नहीं खाता है। जिस दिन भी आरोप कहीं किसी ने लगाया, लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन आपके प्रति मैं जवाबदेह हूँ। आपने सारी दुनिया के बड़े बड़े माफियाओं को ध्वस्त करके मुझे जो सदन में भेजने का काम किया है, मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा, लेकिन मुझे हो सकता है कि एक दिन आपकी जरूरत पड़े, आपका आह्वान करना पड़े इस सिस्टम से टकराने के लिए। लेकिन मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी स्थिति नहीं आएगी। आप लोग भरोसा रखिए कि जमीन आपकी लोनी की वापस होगी। लोनी में गरीबों के प्लॉट पर जो कब्जा करने वाले भू माफियाँ हैं, पुलिस प्रशासन कई बार सुनता नहीं है, उन्हें सुनना पड़ेगा और लोनी से भू माफियाओं को भागना पड़ेगा। लोनी के अंदर रामराज है, जहां भिंड बेटियां मिलकर के सुरक्षित हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।